Hi everyone, Namaskar. In today's video, we are going to talk about the terms and concepts associated with the topic of biodiversity, right? So, kuch species or concepts ke topics hain, jaise endemic species ho gayi, flagship species ho gayi, invasive species ho gayi. So, inka actual mein inki definition kya hai, inka matlab kya hai? And also, we'll be talking about the examples. राइट तो वर्ल्ड वाइड जो बायोडाइवर्सिटी है उनमें जो ऐसी स्पीशीज हैं जिनके एग्जांपल्स हैं विल ऑल्सो हैव अ लुक ऑन दोज एग्जांपल्स यस सो लेट्स टॉक अबाउट द एंडेमिक स्पीशीज फर्स्ट वी ऑफन हियर इन न्यूज अबाउट सर्टन स्पीशीज बीइंग एंडेमिक टू सर्टन रीजन तो कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे किसी स्पेसिफिक रीजन में एंडेमिक होती हैं तो व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय द टर्म Endemic. So an endemic species is found only in a specific geographical location. तो ऐसी स्पीशी जो कि एक सिर्फ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन पे पाई जाती है तो ऐसी स्पीशी जो किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन पे मिलेगी बट दोज आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स स्पीशी में भी नेटिव टू एन एरिया वो किसी एरिया में नेटिव हो सकती है बट इट इज नॉट एंडेमिक टू दैट एरिया इफ इट इज फाउंड एनीवेयर एल्स तो एंडेमिक स्पीशी का मतलब क्या हुआ इट इज फाउंड ओनली इन वन पर्टिकुलर रीजन एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन में ही आपको वो स्पीशी मिलेगी एंड इट कैन बी नेटिव टू अनदर प्लेस ऑल्सो बट इट कांट बी एंडेमिक टू अनदर प्लेस All right, I hope I am clear to you. इसको थोड़ा सा example से समझते हैं इसका example है lion tail macaque. ठीक है पहला example है lion tail macaque और नीलगिरी लंगूर I'm sorry, ये western घाट्स वाले region में ही मिलते हैं ये वही endemic है So these are the two examples of your endemic species. Now, next we are going to talk about the keystone species. तो कीस्टोन स्पीशीज कौन सी होती हैं कीस्टोन स्पीशीज आर दोज विच हैव डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट जिनका एक डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट होता है ऑन द कम्युनिटी इन विच इट अकर्स तो उनका एक काफी हैवी इफेक्ट होता है उन कम्युनिटीज पे जहां पे वो पाए जाते हैं तो कीस्टोन स्पीशी एज द टर्म इटसेल्फ जस्टिफाइज कीस्टोन का मतलब इट्स अ की स्पीशी ऑफ इट्स कम्युनिटी राइट तो इट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द स्ट्रक्चर फंक्शनिंग इन फैक्ट इट डिटरमिन्स द अबिलिटी टू ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज इन द कम्युनिटी टू सर्वाइव All right. When a keystone species disappears, it could result in a series of एक्सटिंक्शन अगर एक कीस्टोन स्पीशी डिसअपियर हो जाती है किसी एक कम्युनिटी से इन दैट केस व्हाट वुड हैपन उस कम्युनिटी की और कई सारी स्पीशीज जो होंगी वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी वो भी डिसअपियर हो जाएंगी राइट तो इट वुड अफेक्ट अ लार्ज एक्सटेंट ऑफ स्पीशी इन द कम्युनिटी इन विच इट अपियर्स ठीक है तो ये काफी ज्यादा असेंशियल हो जाती है अपनी कम्युनिटी की अदर स्पीशीज के लिए भी नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ कीस्टोन स्पीशी इज वाइल्ड ड्यूरियन इट्स अ ट्री विच इज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट रीजन ठीक है और एक ये फ्रूट है ये एक फ्रूट है जो कि अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को ऑल राइट सो इट्स फ्रूट्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स दैट कम इन टू ईट इंसेक्ट्स इट्स अ फ्रूट यहाँ पे इट अट्रैक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्मेल ऑल राइट तो इसकी एक फ्यूम होती है एक स्मेल होती है जिसकी वजह से इंसेक्ट्स या बर्ड्स दे कम टू ईट दिस फ्रूट एंड इट दे गेट ट्रैप्ड तो रेप्टाइल्स कंज्यूम बोथ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स द ट्रीज ऑल्सो हैबिटेट ऑफ मंकी विच ईट द फ्रूट्स लीव्स एंड इंसेक्ट्स इवन टाइगर्स में कम टू ईट द एनिमल्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय ऑल द फूड इन द ट्री इकोसिस्टम So if the wild durian tree is removed from the ecosystem, if the wild durian tree is removed from the ecosystem, many of the species in its community would disappear and would be affected by a large extent.
राइट तो अगर एक वाइल्ड ड्यूरियन की स्पीशी डिसअपियर हो जाती है, इन दैट केस इट वुड. दूसरा एग्जाम्पल जो है कीस्टोन का वो है वोल्स, जो भेड़िए होते हैं. तो इफ वोल्स गो एक्सटिंक्ट इन एन इकोसिस्टम, द पॉपुलेशन ऑफ डियर एंड अदर हर्बीवोरस विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, राइट? बिकॉज वोल्स ईट, दे आर कार्निवोरस एंड दे ईट डियर एंड अदर एनिमल्स. सो द पॉपुलेशन ऑफ डियर एंड अदर हर्बीवोरस एनिमल्स वुड इंक्रीज एक्सपोनेंशियली अगर वोल्स की पोल्यूशन, आई एम सॉरी, वोल्स की पॉपुलेशन कम होती है. सो ड्यू टू एक्सेसिव ग्रेजिंग बाय द हर्बीवोरस मेनी प्लांट्स मे गो एक्सटिंक्ट, राइट? वट वुड हैपन? तो अगर वोल्स की पॉपुलेशन कम हो रही है, दिस मीन्स जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनकी पॉल्यूशन, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एंड दैट वुड इवेंचुअली यू नो लीड टू ग्रेजिंग ऑफ ग्रास एंड प्लांट्स टू एन एक्सटेंट कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, राइट? देन द स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स दैट फीड ऑन द प्लांट्स में डिसअपियर. ठीक है, तो जो छोटे एनिमल्स हैं या स्मॉल इंसेक्ट्स हैं हु फीड ऑन द ग्रासेस द स्मॉल प्लांट्स, दे वुड डिसअपियर इन दिस केस. तो अगेन कीस्टोन स्पीशी के एग्जाम्पल में आपके वोल्स भी आते हैं, तो दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम. अगर ये नहीं होंगे तो दे वुड लीड टू एन एडवर्स इफेक्ट ऑन अदर स्पीशी इन इट्स कम्युनिटी. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच वील बी टॉकिंग अबाउट इज द इंडिकेटर स्पीशीज. सो इंडिकेटर स्पीशीज वन हुज प्रेजेंस, एब्सेंस और अबंडेंस रिफ्लेक्ट्स अ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन. ये एक ऐसी स्पीशी है इंडिकेटर, राइट? एज द नेम सजेस्ट, इट इंडिकेट्स अगर इनकी प्रेजेंस, इनकी एब्सेंस या इनकी अबंडेंस. इफ दे आर प्रेजेंट to a certain amount, if they are absent in a community, or if they are present in abundance, then they would indicate something, they would reflect a specific environmental condition. अगर ये absent हो रहे हैं, in that case also they are reflecting some sort of environmental condition. If they are present, in that case also they are reflecting some sort of environmental condition. और अगर ये abundance में, कहीं ज़्यादा amount में present है, in that case also they are reflecting some sort of environmental condition. So they are very sensitive indicators. ये एक sensitive indicators होते हैं for the environmental problems. If they are, अगर कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट कर रही है किसी कम्युनिटी में, किसी इकोसिस्टम में, किसी कम्युनिटी में, किसी भी एरिया में, रीजन में, अगर इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एनवायरमेंट, इन दैट केस इंडिकेटर स्पीशीज वुड रिफ्लेक्ट सच प्रॉब्लम्स ईदर बाय रिड्यूसिंग देयर प्रेजेंस इन दैट वेरी रीजन और बाय इंक्रीजिंग देयर प्रेजेंस इन दैट वेरी रीजन, राइट? अभी आगे एग्जाम्पल से देखेंगे. So they give early warning of the problems. ये early warning देते हैं problems की that could potentially affect other species, right? They are also called sentinel species. इनको sentinel species भी कहा जाता है. Keep in mind, very important to note. ठीक है, तो if you talk about the examples of indicator species, तो सबसे ज़रूरी और सबसे important जो example है, it is lichen. तो लाइकन, ये देखिए ऐसे होते हैं, यहाँ पे ये एक रॉक बेड पे आ गए लाइकन, ये येलो येलो, इफ यू कैन सी. सो लाइकन विच इज सेंसिटिव टू प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स, राइट? हैवी मेटल्स और एसिड्स इन द रेन, इट्स बिहेवियर में इंडिकेट दैट एसिड रेन इज फॉलिंग इन द एरिया. तो जहां पे इनकी प्रेजेंस आई, इफ लाइकन इज प्रेजेंट इन अ सर्टन एरिया, इट इंडिकेट्स दैट there is a sort of metal pollution or there is a sort of acid rain, heavy acid rain ko ye indicate karte hain, right? Lichens are in the mutualistic association of fungus and algae. तो ये एक mutualistic association रखते हैं fungus और algae के बीच में, और cyanobacterium, and occurs as a crusty patch. ये एक crusty patch की तरह से एक patch ये रॉक बेड पे आ जाता है, एंड दे अपीयर लाइक दिस. और बुशी ग्रोथ्स ऑन
ट्रीज, रॉक्स एंड बेयर ग्राउंड्स. तो या तो बेयर ग्राउंड्स पे, पत्थर पे, रॉक्स पे, या बुशी एरियाज में ये आपको मिलेंगे. लाइकेंस आर वेरी सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, राइट. तो अगर ऐसा कोई भी एरिया है जहां पे एसिड रेन हो रही है, जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट या कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, इन दोज एरियाज लाइकेन वुड बी एब्सेंट, राइट. तो वो वहां से हट जाएंगे, दे वुड बी एब्सेंट. सिंस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अ नंबर ऑफ देयर पॉपुलेशन हैव बिकम एक्सटिंक्ट. तो इफ द एयर इन एन रीजन, अगर किसी किसी एरिया की जो हवा है, द एयर इज पोल्यूटेड विद SO2, लाइकेन वुड बी एब्सेंट. नो लाइकेन वुड बी प्रेजेंट इन दैट केस, अगर SO2 से आपके रीजन की हवा बैडली पोल्यूटेड है. तो सो बीइंग एन इंडिकेटर स्पीशी, देयर एब्सेंस इंडिकेट्स दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन, एंड स्पेसिफिकली SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की जो पोल्यूशन है, जो केमिकल है, तो दे इंडिकेट दैट, राइट. अनदर एग्जाम्पल of indicator species are the top predators like your tiger and snow leopards. They are also indicator species. Ab kaise hai? Let's understand this. So if tigers are doing well, it means they have enough food and water. This indicates that their prey such as deer and antelope are also doing well and are present in sufficient numbers. In turn, this also means that grasses, plants and trees that these herbivorous animals eat, they are also available in abundance. इनके लिए ये भी available है. On the other hand, if the tigers are dwindling in number, it indicates that entire forest ecosystem is not healthy. Right, frogs and other amphibians may also be an indicator species. So if tiger is doing well, if the top predators are doing well, it means inke niche wale jo hai, which means agar, if we talk about top predators, if they are doing well, it means the herbivorous animals on which they prey upon, on which they feed upon, they are doing well, right. They are also present in sufficient numbers. And which also means that the plants and grasses on which these herbivorous animals feed upon, they are also in a healthy state. They are also present in abundance. So, this means that the whole ecosystem is doing well. But vice versa may also happen when if tiger are not doing in a good state, or if they are not in a huge number, in a good number, it means that the whole ecosystem, entire forest ecosystem is not healthy. Now, another term which we'll be talking about is flagship species. So, flagship species are species selected to act as an ambassador, icon or symbol for a defined habitat. तो flagship का मतलब ही होता है कि इनको एक icon या symbol बनाया जाता है किसी एक defined habitat के लिए, किसी एक issue के लिए, किसी campaign के लिए, या for an environmental cause, right? तो flagship species are chosen to raise support for biodiversity conservation in a chosen place or context. किसी context में, किसी specific place को लेके, किसी specific biodiversity को लेके, they are the species which are chosen. They are the species which are chosen for indicating. ठीक है, कुछ indicate करना चाहते हैं. It can be an habitat, it can be an issue, it can be an environmental cause. Now, these species have the ability to capture the imagination of public and induce people. The species have ability to capture the imagination of public and induce people to support conservation action or to donate funds. So, conservation actions ke liye, funds ke liye, these species are capable to, induce people to support the conservation. So, by focusing on conservation and protection of flagship species, it would also lead to conservation and protection of other species to which it indicates to. ठीक है, तो the status of many other species which share its habitat or are vulnerable to the same threats may be improved. तो इस केस में भी बाकी सारी स्पीशीज को भी हम
इम्प्रूव कर सकते हैं. दे आर यूजली रिलेटिवली लार्ज एंड कंसिडर्ड टू बी कैरिज्मेटिक इन वेस्टर्न कंट्रीज. तो वेस्टर्न कंट्रीज में दे आर कंसिडर्ड टू बी लार्ज एंड कैरिज्मेटिक. दे मे और मे नॉट बी कीस्टोन स्पीशीज. ये कीस्टोन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. अभी हमने समझा था कीस्टोन का मतलब इनकी प्रेजेंस, इनकी एब्सेंस या इनका एबंडेंस. इनकी प्रेजेंस, इनकी एब्सेंस और इनका एबंडेंस जो है, it can lead to affection. It can affect to other species present in its community. So they may or may not be keystone species or may or may not be good indicators of biological process as the lichen was. We just saw the example of lichen. So ye keystone ho bhi sakte hain, nahi bhi ho sakte hain. Indicator ho bhi sakte hain, nahi bhi ho sakte hain. So examples of flagship species are Bengal tiger and Jordan courser. So Jordan courser is a critically endangered bird which is found only in Andhra Pradesh. ये एक critically endangered bird है. IUCN status इसका फिलहाल critically endangered है. So it is only found in Andhra Pradesh, right? So we understood the flagship species also. Now we'll be moving towards the priority species. Now what is a priority species? So it's reflective of a key threat across that ecoregion such that conservation of species will contribute significantly to broader threat mitigation outcome. So it is often crucial to the economic or spiritual well-being of people within that ecoregion. So kisi ek ecoregion mein ye species milti hain, they reflect the key threat across that ecoregion. ठीक है, तो दीज आर द प्रायोरिटी स्पीशीज विच रिफ्लेक्ट द की थ्रेट अलॉन्ग अक्रॉस अ इको रीजन एंड दी स्पीशीज ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ ब्रॉडर थ्रेट मिटिगेशन आउटकम, राइट? सो इट्स नाउ कहाँ से ये टर्म आया? इफ वी सी, तो ये वर्ल्ड वाइड फंड ने ये एक टर्म दिया था. इट्स अ वर्ल्ड वाइड WWF टर्म विच इज सोलली फॉर द पर्पज ऑफ planning and simple communication. For worldwide for WWF, a priority species may be either a flagship species or a keystone species. So inke liye ek priority species ya to wo ek flagship species ho sakti hai ya to wo ek keystone species ho sakti hai, and it is chosen to represent an ecoregion or region. So as we have already seen, ये एक eco region के threat mitigation outcome को promote करती है. It's reflective of a key threat across the eco region. Hence, they can be a flagship or a keystone species, right? तो ये WWF ने इसको इस कैटेगरी में डाला है. वर्ल्ड वाइड फंड है क्या? Let's also have a look upon that. So वर्ल्ड वाइड फंड for nature was originally called World Wildlife Fund, a term which is still used in Canada and USA. It's an international NGO founded in 1961 working in the field of biodiversity preservation and reduction of human impact on environment, right? So iske bare mein bhi dekh liya hum logo ne WWF ke bare mein. Now, अब जो WWF की प्रायोरिटी स्पीशीज इंडिया में लिस्टेड है, सो व्हाट आर द प्रायोरिटी स्पीशीज विच हैज बीन लिस्टेड अपॉन बाय WWF प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ इंडिया. इंडिया में जो प्रेजेंट है, लेट्स हैव अ लुक. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द WWF लिस्टेड प्रायोरिटी स्पीशीज इन इंडिया. तो इंडिया में जो WWF ने प्रायोरिटी स्पीशीज की लिस्ट दी है, सो लेट्स लुक हैव अ लुक ऑन दी स्पीशीज. पहली है क्लाउडेड लेपर्ड, अनदर इज योर एशियन एलिफेंट, थर्ड इज योर रेड पांडा, and last is your Ganges river dolphin. There are many other species also, but these are the very prominent and important species jo hamesha news mein rehti hai. So that's why I have listed down here. ये चार हैं, प्लीज रिमेंबर दीज स्पीशीज. हम सारी स्पीशीज तो याद नहीं कर सकते, बट या दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वंस. नाउ अनदर टर्म, अनदर कॉन्सेप्ट इज ऑफ
invasive species, right? So what is an invasive species? An alien plant or animal. Invasive ka matlab those species which invade in a certain region. Agar aapke region mein a species invading, it's being a threat for your survival. All right. So an alien plant, animal, also referred to as exotic, introduced, foreign, etc., is one that has been introduced by humans intentionally. Ya to ye humans ne intentionally introduce kiya hoga, otherwise through human agency or accidentally from one region to other. Right? So, aisi species jo ki alien hai, number one. What are the conditions? Pehla, species, plant or animal, it should be alien. Right? इसको और क्या रेफर करेंगे? एग्जॉटिक होनी चाहिए. इट शुड बी एग्जॉटिक. इट शुड बी या तो इंट्रोड्यूस्ड. इसको फॉरेन भी होना पड़ेगा. ठीक है. इज वन दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस इंटेंशनली. या तो ये ह्यूमंस ने इंट्रोड्यूस किया हो इंटेंशनली, अदरवाइज थ्रू ह्यूमन एजेंसी और एक्सीडेंटली फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. राइट. An alien plant or animal that has escaped from its original ecosystem and is reproducing at its own in the regional flora is considered a naturalized species. ठीक है. तो naturalized species कौन सी होती है? Naturalized species वो होती है जहां पे कोई एक alien plant या animal species अपने ओरिजिनल इकोसिस्टम से एस्केप करके किसी दूसरे इकोसिस्टम में आता है एंड इट इज रिप्रोड्यूसिंग ऑन इट्स ओन. राइट. तो इट इज रिप्रोड्यूसिंग ऑन इट्स ओन इन द रीजनल फ्लोरा इज कंसिडर्ड अ नेचुरलाइज. तो वो एक नेचुरलाइज स्पीशी हो जाता है. ठीक है. इट इज बीइंग नेचुरलाइज बिकॉज वो अपने इकोसिस्टम से बाहर आ चुका है. इट इज alien also and it is reproducing also. So those naturalized aliens, ab aise naturalized aliens jo ki apni ecosystem se to escape kar gaye hain, they are in some other place and they are reproducing on its own. Those naturalized aliens that become so successful as to spread in the flora, fauna and displace native biota. Right? Native biota or threaten valued environmental, agricultural or personal resources by the damage it causes are considered invasive. So, jab naturalized species, they are escaping from their original ecosystem, they are adjusting or they are accommodating in any other region, they are reproducing on their own. And after that, they become so successful in spreading themselves in the flora fauna and also they displace the native ecosystem. Jo native wahan pe biodiversity thi, jo native biota tha, they are either displacing them, they are threatening the valued environmental, agricultural, personal resources aur wahan pe wo bhayanak damage cause kar rahe hain, then they are considered as invasive. So to be called invasive, it should, now another condition, to be called invasive, it should also be a threat to native species of the area by growing in population, right? This happens when the invasive species has no predator in the area. जब invasive species को predate करने वाला, जब invasive species किसी दूसरे species के लिए prey ही नहीं रहेंगे, ठीक है, जब उन्हें कोई खाएगा ही नहीं, इन दैट केस दे वुड ओनली बी अ थ्रेट टू नेटिव स्पीशीज. ठीक है. सो दे आर कॉजिंग अ थ्रेट टू नेटिव स्पीशीज. दे आर बीइंग यू नो दे आर बीइंग अ थ्रेट टू नेटिव स्पीशीज एंड बाय ग्रोइंग इन द पॉपुलेशन एंड ऑल्सो वाई बिकॉज दे देमसेल्स वो प्रेडेटर होते ही नहीं है. उनका कोई प्रेडेटर है ही नहीं. आई एम सॉरी, उनका कोई प्रेडेटर नहीं है. दे आर नॉट बीइंग प्रे टू एनी अदर स्पीशीज. Hence, they are growing in number and they are being a threat to the native species, right? So, ये थी आपकी invasive species. इनके conditions याद रखिएगा, इन्हें threat होना पड़ेगा. Now, example अगर हम देखें invasive species का, तो rabbits in Australia and African catfish in Keoladev National Park, right? तो which is in Rajasthan. तो ये दो आपकी इन्वेजिव स्पीशीज हैं.
in Australia and in India. And another example is जो African catfish का, उसको थोड़ा सा देख लीजिए. It is not only native to India, ठीक है, ये it is not native to India. African catfish is not native to India and is originally found in Africa and Middle East as the name suggests. It is known to be aggressive feeder, eating even the chicks of waterfowl. It's known to be an aggressive feeder. It poses a major threat to native fauna. The female matures in about 3 years and can bear tens of thousands of eggs. Species has now spread to subcontinent and is found in Kaveri, Ganga, Yamuna and even the streams of Western Ghats. Right? So this was introduced by businessmen for commercial fish cultivation in national park as it could adapt to poor quality of water, raised in high densities and reproduce well in captivity, making it ideal for those looking to sell the fish for food. Though cultivation of this species was banned by Ministry of Agriculture in 2000 itself. And in 2006, Keoladev National Park embarked on a 10-year project to eliminate the African catfish. It's a very aggressive feeder of the native fauna. It's a major threat to native fauna jo ki yahan pe hai Keoladev National Park mein. And inka jo spreading rate hai wo itna fast tha ki that they have spread across Ganga, Yamuna, Kaveri and even in the streams of Western Ghats, right? To government ne ek 10-year project ko rakha hai. It will be ending in 2026 to eliminate the African catfish. It's a project, governmental project hai, jo ki chal raha hai. Now, another term is speciation. What do we mean by the term speciation? So, it refers to formation of new species due to genetic changes. Right? In an existing species. So, jab genetic changes ki wajah se new species are formed in the existing species, in that case the term is referred to speciation. For an instance, agar hum aise samjhe, agar humans mein there are some sort of genetic changes that we grow only white hair or we don't have our eyebrows. So agar aise genetic changes hote hain and the species that evolved because of that genetic changes has only white hair and no eyebrows. In that case, we would be saying ki ye speciation ka ek example hai. It's a product of speciation. In the process of a species adapting itself to changing environmental condition, a new species may emerge. Right? So, speciation ka matlab ye ki genetic changes ki wajah se when a new species is formed. Now, there are two concepts associated with the term of speciation. First is your allopatric speciation and second is sympatric. So, allopatric speciation occurs when one species becomes two. Allopatric ka matlab, when one species becomes two due to formation of geographical barrier. One species becomes two because of formation of geographical barriers such as land separation, mountain formation, immigration or human interference, right? So, iska matlab hai, ek species se jab do species nikal rahe hain because of the geographical barriers, then we refer this term to allopatric speciation. When geographical barriers are formed, the species on the either side may face different environmental conditions. Ab maan lo ki ye geographical barrier ban gaya hai and species of, suppose this is the species A and this is the species B. So the species A might face different environment and ecological conditions leading to genetic modification. Yahan ki sab samajh lijiye aap environmental conditions kuch aur hongi. So after when they reproduce or when there are genetic changes, then another species would form jo ki inse, jo ki B se bilkul alag hogi ya jo ki apne original species se bilkul alag hogi. So in those conditions, jab
कोई एक स्पीशी इफ दे आर फेसिंग डिफरेंट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल कंडीशंस लीडिंग टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन विद टाइम अ न्यू स्पीशी गेट्स क्रिएटेड. फॉर एग्जाम्पल फोर डिस्टिंक्ट सब स्पीशीज ऑफ एशियन एलिफेंट, ठीक है, प्रोबेबली इमर्ज ड्यू टू एलोपैट्रिक स्पीशिएशन. ज्योग्राफिकल बैरियर्स की वजह से देर आर फोर डिफरेंट सब स्पीशीज ऑफ एशियन एलिफेंट, तो प्रोबेबली ये इसीलिए फॉर्म हुई है बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल बैरियर. वी हैव सीन देर आर फोर डिफरेंट सब स्पीशीज ऑफ एशियन एलिफेंट. नाउ अनदर टर्म वॉज सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन विच रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशी. Formation of a new species where the genetic modification is based on a single indicator. The geographical range is same for both the new and the original one. Suppose यहाँ पे नई species बन रही हैं, original ये थी and because of speciation we are having the new species. Here the geographical range would be same for these two, right? The geographical range for the former and the new one would be same. However, these two groups would stop interbreeding. Geographical barriers नहीं होंगे यहाँ पे, geographical indicators बिल्कुल same होंगे, geographical range same होगी, yet for some reason these two groups would stop interbreeding and over time a new species would emerge. For example, parasitic great spotted cuckoo and its magpie host, both native to southern Europe, are considered to be sympatric species. ठीक है, तो if I can show you the picture, just a second. Yeah, so parasitic great spotted cuckoo and its magpie host, both are native to southern Europe and are considered to be sympatric species. ठीक है, now how can biodiversity be measured? Diversity is a single statistic in which the number of species richness and evenness are compounded. Right, तो diversity एक single statistic है in which the number of species richness and evenness are compounded. So biodiversity is measured in two components. Two components mein we measure the biodiversity. Number one is species richness and number two is species evenness. Right, let's have a look on these two components. Kaise hum measure kar sakte hain biodiversity ko? So first is your species richness. It is the measure of number of species found in a community. एक community में number of species found, right? So if we measure the number of species found in a community, we will get to know the species richness of a particular community. Another term was species evenness. It measures the proportion of species at a given site. Example, low evenness indicates that only few species डोमिनेट द साइट. राइट, तो अगर स्पीशी का प्रपोर्शन किसी गिवन साइट पे कम है या ज्यादा है, इट इंडिकेट्स दैट ओनली फ्यू स्पीशी या ज्यादा स्पीशी आर प्रेजेंट इन दैट साइट एंड दे आर डोमिनेटिंग दैट साइट. नाउ यहां तीन टर्म्स हैं डाइवर्सिटी के ऊपर विच आर एल्फा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी. लेट्स हैव अ लुक, कॉन्सेप्ट है ये. So the diversity within a particular area, I'm talking about the alpha diversity, the diversity within a particular area or ecosystem is usually expressed by the number of species, that is species richness in that system, right? So jab ek diversity, किसी एरिया की डाइवर्सिटी को हम स्पीशी रिचनेस से देख रहे होते हैं, जब वहाँ पे स्पीशी रिचनेस से एक्सप्रेस की जा सकती हैं, की जाती हैं, इन दैट केस वी गेट टू नो अबाउट दी अल्फा डाइवर्सिटी.
Second term was beta diversity. It represents differences in species. It represents differences in species composition among sites. It is something of a bridge from local to the regional scale. ठीक है, तो अगर हम alpha को देखें तो alpha will be local and regional को we'll see as gamma scale. तो इन alpha और gamma के बीच में जो एक bridge है, it is what is beta diversity. It can be considered a metric of dissimilarities between sites. तो दो ecosystem के बीच में जो dissimilarities हैं, beta diversity is a metric of those dissimilarities. It can also be interpreted as rate of accumulation of diversity with an increasing number of sites sampled. ठीक है, in simple terms, it is ratio between gamma and alpha diversity. अभी हमने देखा था कि gamma and alpha diversity का जो ratio है उसी को हम देखेंगे as differences in two ecosystems जो हमें मिल रहे हैं, that will be denoted by your beta diversity. Now gamma diversity क्या है? It is the measure of diversity of entire landscape. मतलब regional species pool जो होगा, entire landscape की जो measuring हो रही है आपके diversity में, it is resembled by your gamma diversity, right? तो ये टर्म्स हैं जो आपके इसमें शंकर आईएएस में और इन सब में दिए हुए थे. दैट्स व्हाई आई मेड दिस स्लाइड हियर. ठीक है, सो वी आर डन विद द टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इन द सबसीक्वेंट लेक्चर्स वील सी द लिस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी और जो आईयूसीएन की रेटिंग है, जो भी उनकी लिस्टिंग है, उनके प्रोटेक्टेड स्टेटस क्या है. We'll have a look on those sites and we'll have a look on those lists. All right. So I hope you have understood the lecture. So thank you and I'll see you in the next video.